तो कल हमने किसकी ज्यादा किया था? पशु महाराज का बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ पर चल रहा है श्रीमद भागवतम में। और कल हम लोगों ने, अभी तक हमने शुरू से देखा कि किस तरीके से महाराजा प्रथु का जन्म हुआ। पहले तो राजा वेन के पुत्र हूँ, राजा वेन को किस तरीके से मार दिया गया। वो भगवान की भक्ति के अगेंस्ट था राजा वेन, ठीक है। तो भगवान की भक्ति उसने बंद करवा रहा। उन्होंने कहा कि मेरी करो पूजा, भगवान पूजा करने क्या फायदा है। तो ब्राह्मणों ने श्राप देकर उनको रास्ते से हटा दिया, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद क्या हुआ? महाराजा ऋतु को फिर लोगों ने राजा बनाया उनका। पहले बैंड के शरीर को मंथन करके और राजा प्रभु का जन्म हुआ। राजा प्रभु को राजा बनाया गया, उनका गुणगान हुआ। भगवान के सत्य वेद अवतार हैं वो। फिर उन्होंने अपनी प्रजा के पालन पोषण के लिए, क्योंकि अन्न नहीं था तो पृथ्वी का दोहन किया। और उसके बाद तो अश्वमेध यज्ञ उन्होंने करने का जो प्रोग्राम बनाया, उसमें 99 वो कर पाए। तो में थोड़ा इंद्र के साथ झगड़ा सा हो गया। बाद में फिर भगवान ने, ब्रह्मा जी ने सब सेटल करवाया। अंत में 99 पे रुकना पड़ा, लेकिन फिर भी उनकी जीत हुई। हार कर भी जीत गए। क्यों? क्योंकि उनको भगवान ने कहा कि आप से प्रसन्न हूँ, तो भगवान का प्रेम उनको प्राप्त हुआ, इसलिए वो 99 करके भी वो इधर से आगे निकल गए। इसके बाद फिर उन्होंने अपनी प्रजा को संबोधन किया, प्रजा को शिक्षाएं दी। और फिर जो है, अब हमारे सामने उनका नया प्रसंग है कि पृथु महाराज का, भगवान के जो भक्त हैं चार कुमार, तो उन चार कुमारों से वो ज्ञान ले। क्योंकि आपको याद होगा कि जब भगवान से पृथु महाराज की बात हो रही थी तो भगवान ने कहा था कि आपकी भेंट चतुर्थ कुमारों से होगी और चतुर्थ कुमार आपको ज्ञान देंगे, ठीक है। तो ये आज उससे हम शुरू करेंगे, अध्याय 22 है। और फिर इसके बाद लास्ट अध्याय जो है पृथु महाराज के कथा का, वो है कि पशु महाराज का भगवत धाम को जाना, ठीक है। उसके बाद फिर जो है आगे बहुत ही सुंदर रुद्र गीत चालू होगा, ठीक है। तो आप लोगों के पास PDF ऑलरेडी है, तो जो मैंने आपको भेजा था PDF फाइल, उसमें आपको ऑलरेडी चतुर्थ स्कंध के पूरे द्वितीय पार्ट के भी, द्वितीय भाग के भी सारे अध्याय होंगे। तो 22वां अध्याय आप खोल लीजिए, ठीक है। और हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, किसी को अगर नहीं मिला है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चारों कुमारों से पृथु महाराज की भेंट, ये अध्याय का नाम है। ओके। तो अगर जिस लोगों को नहीं मिला है, अगर उनके आपस में आप लोग जानते हैं तो आप भेज दीजिए, ठीक है। तो ओके। ठीक है, श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 22 श्लोक संख्या 1। मैत्रेय उवाच, जनेषु प्रगणस्तत्वेवं पृथुं पृथुर्विक्रमं तत्रोपजग्मुर्मुनयः चत्वारा सूर्यवर्चसः।
भाष्य में तुमने कहा जनिष्ठ नागरिक प्रकरण एवं इस प्रकार प्रथम महाराजा प्रसूल को प्रसूल अत्यधिक विक्रम शक्तिशाली तत्व वहां उपजन आए मुनिया कुमार चतवारा चारों सूर्य के समान वर्चसा तेजस्वी महामुनि में अनुवाद तात्पर्य शिव गोपाल जी के द्वारा महामुनि मैत्रेय ने कहा जिसमें सारे नागरिक परम शक्तिमान महाराज प्रभु की प्रकार स्तुति कर रहे थे उसी तरह महाभूत सूर्य के समान तेजस्वी चारों कुमार आए। तो कल आपने देखा कि अंत में सभी लोग भगवान जो प्रजा ने प्रजा को जो संबोधन किया तो उसका सारी प्रजा ने महाराज प्रभु को बहुत सारा बधाई दिया और उनकी तारीफ करी। उसी समय पे जब यहाँ पे डिस्कशन चल रहा था उसी तरह के चार कुमार समर सुना कुमार वहां पर आ चुके हैं। सांस्कृतिश्वरान राजा देवनो अवतरो दिशा लोकान पापान कुरुवान लक्षितान तान उनको लेकिन सिद्ध ईश्वरान समस्त योग शक्तियों के स्वामी को राजा ने आकाश से अवतर से लोकान लोगों को अपने समस्त योग शक्तियों के स्वामी चारों कुमारों के दधीचमान तेज को देखकर राजा तथा उनके पास उन्होंने आकाश से उतरते ही पहचान लिया। उनको देखते ही पहचान गए कि ये कौन आ रहे हैं। चारों कुमारों को सिद्धेश्वरान कहा गया है जिसका अर्थ है समस्त योग शक्तियों के स्वामी। तो जो योग में जो सिद्धि प्राप्त कर लेता है उसे तुरंत ही आठ प्रकार की योगिक सिद्धियां प्राप्त हो जाती है जिसे कहते हैं अष्ट सिद्धि। और ये कौन कौन सी है लघिमा अणिमा प्राप्ति प्राकर्ण इस तरीके से महिमा। तो सिद्धेश्वरों के रूप में चारों कुमार सभी योगिक सिद्धियां प्राप्त कर चुके थे और फलस्वरूपों के यात्रा कर सकते थे। ये चार कुमार इनको किसी चीज की जरूरत नहीं है जहाँ जाए वहां जा सकते बिना किसी विमान या किसी मशीन के बहुत सकते यहाँ पे। तो जब ये प्रसूल महाराज के पास आ रहे थे तो किसी विमान से नहीं आए बल्कि अपने आप आ गए। दूसरे शब्दों में ये चारों कुमार अंतरिक्ष यात्री भी थे जो बिना किसी यान के यात्रा कर सकते थे। तो सिद्ध लोक नामक लोक के निवासी अंतरिक्ष में एक लोक से दूसरे लोक तक यान के बिना ही यात्रा कर सकते हैं। किंतु यहाँ पर कुमारों की जिस विशेष शक्ति का उल्लेख हुआ है वह है कि जहां भी जाते हैं वह स्थान पाप रहित हो जाता है। वो लोग जहां भी जाते हैं वहां पे क्या होता है पाप नहीं बचता। महाराज प्रभु के शासन में इस पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु पाप रहित थी कोई पाप नहीं। अतः उन्होंने राजा के पास आने का निर्णय किया। अतः उन्होंने राजा के पास आने का निर्णय लिया क्योंकि वहां पर कोई पाप नहीं था। सामान्य व्यक्ति पाप में लोग नहीं जाते। चार कुमार जहाँ पे पाप होता है वहां पे नहीं जाते। महाराज प्रभु के राज्य में कोई पाप नहीं था इसलिए वो वहां पर आ गए। ठीक है हरे कृष्ण। आप लोग अपने को म्यूट रखिए है ना नहीं तो फिर वो डिस्टर्ब हो जाता है। ओके श्लोक संख्या 3 अभी शुरुआत के श्लोक हैं। पहले के 6 श्लोक में प्रभु महाराज इन चार कुमारों का स्वागत करेंगे। बिल्कुल सही बात है। तद दर्शन उद्गतान प्राणान प्रत्यादित्तु इव उत्थिता स सदस्यो मुगो वैन्या इन्द्रियेषु गुणानि
तो उसको दर्शन देकर उस जटा आश्चर्य की इच्छा प्रकट की, जहाँ पर प्राणान प्राण सत्या जिसको शांति के लोग जाते हुए केवल सदृश उत्पिता उठा था सहज सदृश पाठ रहे हैं अनुगा अधिकारी वैश्य राजा प्रभु इंद्रिय ईशा जीवात्मा गुणानी प्रगति के गुणों से मानव प्रभावित चारों कुमारों को देखकर पृथ्वी महाराज उनके स्वागत के लिए आतुर हो उठे तथा अपने पार्षदों सहित फिर तुरंत इस तरह तेजी से उठकर खड़े हो गए मानो कोई वन्यजीव प्रकृति के गुणों द्वारा तुरंत आकृष्ट हो उठा हो। भगवद गीता में तो यहाँ पे ना इन छह चार श्लोकों में पृथ्वी महाराज के द्वारा जो बेस्ट एग्जाम्पलरी बिहेवियर माने की कोई व्यक्ति आए तो स्वागत कैसे करना चाहिए वो यहाँ पे हमें बताया गया है। ठीक है, भगवद गीता में कहा गया है प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढात्मा कर्ता हम इति मन्यते। प्रत्येक वद्य जीव प्रकृति के गुणों के विशेष मेल से प्रभावित होता है अर्थात वद्य जीव विशेष प्रकार के कर्म की ओर आकर्षित होते हैं और कर्म को करने के लिए बाध्य होते हैं। ठीक है, हर व्यक्ति में प्रकृति के तीन गुणों का एक सम्मिश्रण रहता है मिक्सचर, किसी में सतगुण कम द्रव्यगुण ज्यादा थोड़ा सा मिक्सचर रहता है तो उसके हिसाब से उन लोगों की अपनी एक किसी किसी कर्म के प्रति आकर्षित होते हैं। ज्यादा सतगुण होगा तो ब्राह्मण के कामों में आकर्षित होगा, रजगुण होगा तो थोड़े स्त्री टाइप के कामों में आकर्षित होगा, ऐसे रहता है। और फिर उस आकर्षण उस गुणों के फोर्स की वजह से वो काम करने के लिए बाध्य हो जाता है क्योंकि वह प्रवृत्ति प्रकृति के पूर्णता वश में होता है। यहाँ पर पृथ्वी महाराज की तुलना से बद्ध जीव से नहीं की गई कि वे सचमुच बद्ध जीव थे अपितु इसलिए कि वे कुमारों के स्वागत के लिए अपने आप होते मानो उनके प्राण निकल जाएंगे। बहुत ज्यादा उत्सुक थे, जैसे चार कुमार आए वहां पर तो उनके स्वागत करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थे पृथ्वी महाराज। ठीक है, तो बद्ध जीव ऐसे वस्तुओं के प्रति आकर्षित होता है जिनसे इंद्रिय तृप्ति होती है, उसके नेत्र सुंदर सुंदर वस्तुएं देखना चाहिए। साधारण इंसान के बारे में बता रहे हैं जो बद्ध जीव माने जो भौतिक प्रकृति के गुणों के अंदर बंधा हुआ है, तो व्यक्ति जो है ऐसी चीजों के प्रति आकर्षित होता है जिनसे उसकी इंद्रियां तृप्त हैं। आंखें बहुत अच्छी चीजें देखना चाहती हैं, कान मधुर संगीत सुनना चाहते हैं, नाक में सुगंधित पुष्पों का सुगंध आना चाहिए और जीवा में उत्तम भोजन का टेस्ट आना चाहिए। इसी प्रकार और इंद्रियां हाथ पांव पेट गुस्सा मन ये सब में भी भोग पदार्थों के आकर्षण से अपने को रोक नहीं पाती, सारी इंद्रियां जो है भोग करना चाहती। इसी प्रकार विदु महाराज भी चारों कुमारों के स्वागत से अपने को रोक नहीं पा रहे थे। ये कुमार अपने तेज से प्रकाशमान थे, बलदान न केवल राजा अपितु उनके अनुयायियों तथा सभा ने भी उन चारों का स्वागत किया। कहा जाता है कि संसार में समान रुचि वाले व्यक्ति एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। ठीक है, जो जो व्यक्ति समान जिनका रुचि है, जैसे अगर हमको क्रिकेट पसंद है दूसरे को भी क्रिकेट पसंद है हमारा दोस्ती जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं, एक शराबी और दूसरे शराबी के प्रति बड़ा आकर्षित रहता है। इसी तरह साधु पुरुष के प्रति आकर्षित रहता है क्योंकि प्रभु महाराज सर्वोच्च आध्यात्मिक पद पर थे अतवे उसी कोटि के कुमारों के प्रति आकर्षित हुए। अतः प्रभु महाराज का भी बहुत बड़ा लेवल है भक्ति, तो दूसरे भक्त बड़े आकर्षित हुए, जैसे उनको देखा तो आकर्षण की वजह से खड़े हो गए और उनको स्वागत के लिए किस्म से बढ़े। ठीक है, तो अतः यह उक्ति सही एक संगति से पहचाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि पृथ्वी महाराज ने जैसे देखा उन चार कुमारों को एकदम से उठ के खड़े हुए, जैसे कि उदाहरण के अंदर जैसे कोई बद्ध जीव इंद्रिय भोग का साधन देख के उठ जाता है, जैसे कोई एकदम से कोई सुंदर भौतिक जगत में आजकल आप देखो कोई जैसे कोई यंग लड़का है वो रोड पे जा रहा है और अचानक उसको कोई लड़की का फोटो दे दिया बहुत पोस्टर या कुछ एकदम से उसकी नजर उस पर जाती है, तो एकदम से वो कोई आपका फेवरेट खाने का आइटम एकदम से सामने आया तो एकदम से मन होता है खा ले,
वैसे ही एकदम से कुसुम महाराज थे, उनका स्वागत करने के लिए चार स्थान। ठीक है, यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं क्यों वो अपना आकर्षण हुए, क्योंकि कुसुम महाराज भी त्रिकोटि के भक्त हैं और चार कुमार भी त्रिकोटि भक्त। तो व्यक्ति की पहचान होती है, कई लोग कहते हैं कि व्यक्ति की पहचान होती है कि उसका नाम क्या है, उसका सरनेम क्या है, उसका कंट्री क्या है, इन सब से जो पहचान कैसा होगा, उसके मातापिता कैसे थे, उसके दोस्त कैसे हैं, इससे आपको पता चलेगा। व्यक्ति के दोस्त कैसे हैं उससे आपको पता चलेगा कि उसके लक्षण कैसे हैं, कैसी उसकी संगति है। मान लो जैसे कोई अपनी लड़की के लिए लड़का देखने जाए तो सभी लोग कहेंगे हमारा लड़का बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा है, ये है वो है। कौन कहेगा बुराई अपने लड़के, कोई बुराई नहीं करता। ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा, तो उस लड़के के दोस्त कौन कौन है, कैसा फ्रेंड सर्कल है, मित्रता उसकी कैसे लोगों में, संगति उसकी कैसे लोगों के बीच में है, उस संगति से आपको पता चलेगा कि ये व्यक्ति कैसा है। अपने कंधे गर्दन झुकाए विधिवत शास्त्रोक्त विधियों से पूजया पूजा चक्रे संपन्न की गृहीत सिद्धार्थ अधिक अरहन स्वागत की सामग्री आसना। जब महान ऋषिगण शास्त्र विहित ढंग से उनके द्वारा किए गए स्वागत को स्वीकार कर राजा द्वारा बैठ गए तो राजा के द्वारा तुरंत नतमस्तक हुआ, इस प्रकार ने चारों कुमार की पूजा की। चारों कुमार ये वैष्णव संप्रदाय के परंपरा गुरु हैं। ब्रह्म संप्रदाय, स्त्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, चार संप्रदाय है आपको आई, इन्हीं चार संप्रदाय में गुरु बनाना चाहिए। इन चारों संप्रदाय में से कुमार संप्रदाय इन्हीं चारों कुमारों के नाम में से है। अगर महाराज संप्रदाय आचार्यों के प्रति अत्यंत विनयशील थे, जैसा कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है, साक्षात हरिश्चेना, साक्षात हरिश्चेना समस्त शास्त्रे। गुरु अर्थात परम्पराचार्य का भगवान के ही समान आदर किया जाना चाहिए। तो इस श्लोक में आए हुए विधिवत शब्द अत्यंत सटीक है, इसका यह अर्थ हुआ कि कुसुम महाराज ने गुरु आचार्य का स्वागत करते हुए शास्त्रों में बताई विधियों का कड़ाई से पालन किया। जब भी किसी आचार्य का दर्शन हो, किसी गुरु का दर्शन हो, तो मनुष्य चाहिए तुरंत उत्तर उनको प्रणाम करे। कुसुम महाराज ने विधिवत एक क्रिया संपन्न की, विनय वचित कुमारों के समक्ष झुक गए। ठीक है, आचरण मान्य तत्पाद उनके चरण कमल शौच धुला सली गई जल से मार्जित अलक बाल बंधन झूला राशि अपने बालों पर छिड़का। ऐसे आचरण से राजा ने आदर्श पुरुष की तरह प्रदर्शित किया कि आध्यात्मिक दृष्टि से उन्हें व्यक्ति का किस प्रकार सम्मान करना चाहिए। किसी भक्त को घर में लगाए तो उनका चरण धुल के उसको पानी को अपने सिर पर रखना चाहिए। आपने कहा है आपने आचार्य प्रभु जीवन सिखा है, ये सर्वसिद्ध है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचार्य के रूप में जो शिक्षा दी थी उसे भी अपने गुरु को बताते थे, जो है करके बताते थे। ठीक है, जैसे भी नहीं महापुरुष उन्होंने श्री कृष्ण के अवतार के रूप में पहचान लिया था, जो देते थे कि कभी भी अवतारी कहलाना पसंद नहीं करते, भले कोई श्री कृष्ण का अवतार या भगवान का सत्यावेश अवतार हो, किंतु इससे इसका विज्ञापन नहीं करना चाहिए कि वह अवतार है। लोग स्वयं ही काल चक्र में सच्चाई जान लेंगे, ज्यादा दिखावा करने की जरूरत नहीं, समय आते सबको पता चल जाता है।
महाराज आदर्श वैष्णव राजा थे, अतः वे अपने निजी आचरण से दूसरों को सिखाना चाहते थे क्या कि कुमारों के समान महापुरुषों का किस प्रकार स्वागत सत्कार करना चाहिए। ये वैदिक प्रथा है कि जब कोई साधु पुरुष किसी के घर जाए तो वह चरण पसार कर चरणों में को अपने तथा परिवार के व्यक्तियों के साधु पुरुष आए उसके चरण धुले धुलना चाहिए और उस पानी को अपने ऊपर और परिवार के पूरी व्यवस्था को स्वच्छ करना चाहिए। तो बुधवार ने ऐसा ही किया, क्योंकि जनता के आरोप बुधवार ने ऐसा किया, सबके सामने किया, सब लोग सीखने को मिला। वैसे किसी शुद्ध भक्त के चरण कमल की धूल, अभी दो दिन पहले हमने सुना चरण कमल का पानी और उनका हाय व प्रसाद महाप्रसाद, ये सब अगर इन तीन में से एक चीज भी अगर हमें मिल जाए तो हम भगवान की भक्ति में बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आपने सोने के बने सिंहासन पर आसीनान बैठे हुए स्वादिष्नेश बलिवेदी पर इवा मानो पावकान अग्नि श्रद्धा सम्मान संयम संयम बाबा शिव जी अग्रजान से बड़े, चारों मुनि शिव जी से भी ज्येष्ठ थे। ठीक है, शिव जी से बड़े हैं चारों लोग, इनका जन्म पहले वो बाबा शिव जी आए और जब सोने के बने सिंहासन में बैठा दिए गए तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वेदी पर अग्नि प्रज्वलित हो रही हो। महाराज विष्णु ने उनसे सम्मान पूर्वक बड़े ही संयम करने कहा। तो कुमारों को शिव जी का अग्रज बताया गया है। जब ब्रह्मा जी के शरीर में कुमारों की उत्पत्ति हुई तो इनसे जनसंख्या बढ़ाने के लिए कहा गया, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में जनसंख्या बढ़ाना आवश्यक था। अदा ब्रह्मा जी एक एक करके पुत्रों को जन्म देते जा रहे थे और उन्हें वृद्धि करने का आदेश देते जा रहे थे, किंतु जब कुमारों से कहा गया तो उन्होंने मना कर दिया। वे आजीवन ब्रह्मचारी रहकर भगवान की सेवा में लगे रहना चाहते थे। इन कुमारों को नैतिक ब्रह्मचारी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वे कभी विवाह नहीं करेंगे। तो विवाह से इनकार करने के कारण ब्रह्मा जी अत्यंत क्रोधित हुए और उनकी आंखें लाल लाल हो गई। तब उनके नेत्रों की मदद से शिव जी या रुद्र प्रकट हुए। फलस्वरूप क्रोध गुण को रुद्र कहा जाता है। शिव जी का भी अपने संप्रदाय है जो रुद्र संप्रदाय कहलाता है। ये लोग भी वैष्णव कहलाते हैं। तो शिव जी के फॉलोअर भी वैष्णव है, क्योंकि शिव जी स्वयं एक वैष्णव। तो चार संप्रदायों में एक शंकर जी का संप्रदाय है जो विष्णु भक्ति करते हैं, एक लक्ष्मी जी का संप्रदाय जो विष्णु भक्ति करते हैं, एक चारों कुमारों का संप्रदाय जो विष्णु भक्ति करते हैं, और एक ब्रह्मा जी का संप्रदाय है जो विष्णु भक्ति करते हैं। तो हम लोग इस कौन वाले ब्रह्मा जी के संप्रदाय में आते हैं। मंगल मंगलाय नोगी ब्रह्मा जी का पता चल गया ना, मतलब ब्रह्मा जी ने सबसे पहले कई पुत्रों को पैदा किया, क्योंकि सृष्टि में जनसंख्या बढ़ानी थी तो सबको पैदा करती थी, तो कहते थे जनसंख्या बनाओ। तो जब चार कुमार पैदा हुए तो इनसे भी चार दिन निकाल दिए, हम तो वही ब्रह्मचारी रहेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे। इन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि जीवन का उद्देश्य क्या है, जनसंख्या बढ़ाना या भगवान की भक्ति करना। तो ब्रह्मा जी का जीवन का उद्देश्य भगवान की भक्ति करना। तो बोले फिर आप हमसे क्यों कह रहे हो जनसंख्या बढ़ाना, हम जा रहे हैं भक्ति करेंगे। वो चले गए। ब्रह्मा जी को आगे गुस्सा, ब्रह्मा जी गुस्सा आया तो उनके गुस्सा कंट्रोल करते करते यहाँ आ गया। अब यहाँ से गुस्सा निकल आया, जब निकल आया तो उसमें वही गुस्सा रुद्र के रूप में निकला, वही रुद्र है शंकर जी। ठीक है, सातवां चतुर्थ वाचा राजा कृष्ण का, आओ हे भगवान आचरितम अभ्यास किम क्या मैं मेरे द्वारा मंगलम कल्याण मंगल राजा प्रभु ने कहा है साक्षात कल्याणमूर्ति महामुनियों, आपका दर्शन तो योगियों के लिए भी दुर्लभ है, जिसने आपका दर्शन दुर्लभ है। मैं नहीं जानता कि मुझसे ऐसा कौन सा पुण्य बन पड़ा है जिससे आज आप मेरे समक्ष, मैंने ऐसा कौन सा महान काम किया जिसकी वजह से आप आज मेरे सामने आ गए हैं।
जब किसी के आता है तो जीवन में कुछ असाधारण घटना घटती है, जैसे समझना चाहिए कि किसी अज्ञात प्रकृति अथवा किसी अज्ञात कर्म से ऐसा हुआ है। भगवान या उनके शुद्ध भक्त का दर्शन प्राप्त कर पाना कोई साधारण घटना नहीं है, ठीक है। आजकल हम लोगों को समझ नहीं आता, लेकिन अगर हमें किसी एक भगवान के भक्त का साथ मिल रहा है, संगति मिल रही है, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, कोई साधारण बात नहीं है कि हमें भगवान के भक्तों की कृपा मिल रही है, उसका साथ मिल रहा है। जगह की घटना है, गणेश ने पूर्व पुण्य कर्मों का परिणाम समझना चाहिए, जिसकी उसके ऊपर जीवन पुण्य कर्मों से वैष्णव का दर्शन करना, उससे बात करना, उससे मिलने के लिए कई जन्मों का पुण्य चाहिए, ठीक है। नहीं तो इससे आसानी से हम वैष्णव का दर्शन भी नहीं होगा, और अगर हो रहा है तो ये मानना चाहिए कि उस वैष्णव की महान हमारे ऊपर कृपा है कि वो हमको अपना समय, दर्शन और अपनी वाणी का ज्ञान दे रहा है, ठीक है। ओके, तो आगे कह रहे हैं कि ऐसे भी महाराज के दूध का जीवन पुण्य कर्मों से भरा हुआ था, तब भी उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि उनको मानव के लक्षण किस प्रकार हो सके। उन्हें सम्मान ही नहीं हो पा रहा था कि उन्होंने किस प्रकार के पुण्य कर्म किए होंगे। ये राजा प्रभु की विनयशीलता का चिन्ह है, जिनका जीवन पुण्य कर्मों का इतना भरा हुआ था कि उनको भगवान विष्णु करने दर्शन दिए, कितने पुण्य कर्म किए थे कि भगवान विष्णु आए दर्शन दिए, और भविष्यवाणी की थी कि कुमार भी उन्हें दर्शन देंगे। विष्णु ने आके बोला था कि एक दिन तुमको चार कुमार भी मिल जाएंगे, ठीक है। आर्वाचो किम तस्य दुर्लभ करम इह लोके परस्त्रित्या यस्य विष्णा प्रसीदन्ति शिवो विष्णुस्य विष्णुस्य अनुगा, ठीक है। आप लोगों को समझ आ रहा होगा, अभी प्रभु महाराज और उनका स्वागत किए हैं, उसके बाद वो है जो सुखदेव गोस्वामी आगे बता रहे हैं, ठीक है। प्रभु महाराज जो है आठवें सातवें आठवें नौवें में प्रभु महाराज बोल के कह रहे हैं कि आप जैसे वैष्णव भक्तों का दर्शन करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा कि हमें वैष्णव के दर्शन हो गए, ठीक है। तो किम तत्व दुर्लभ करम यह लोके प्रसजा यदि शिव विष्णु शान होगा, किम क्या तत्व का दुर्लभ करम अत्यंत कठिनाई से प्राप्त यह इस लोके संसार में परत कर नष्ट पश्चात से आपका यदि जिसका विक्रम ब्राह्मण या वैष्णव प्रतिदंती को पूर्ण जाते शिव सर्व कल्याण विष्णु भगवान जी का भी साधन पाते। जैसे ब्राह्मण पुनः वैष्णव प्रसन्न हो जाते हैं, भक्ति संसार का साधन मृत्यु के बाद भी दुर्लभ प्राप्त कर सकता है। यही नहीं, ब्राह्मण तथा वैष्णव के पास जाने वाले कल्याण का एक क्षेत्र भगवान काव्यूष व्यक्ति को अनुग्रह प्राप्त हो जाता है। तो अगर जो व्यक्ति ने कह रहे हैं कि जिस पर किसी वैष्णव कृपा हो गई, यानी कि अगर किसी व्यक्ति पर वैष्णव या ब्राह्मण लोग प्रसन्न है, तो व्यक्ति इस संसार में और मृत्यु के बाद दूसरे संसार में कोई भी पद प्राप्त कर सकता, बड़ी से बड़ी चीज। क्यों? यही नहीं, ब्राह्मण ना वैष्णव साथ जो जैसे भगवान शिव हैं, विष्णु हैं, ब्रह्मा हैं, सबकी कृपा उसको मिल जाती है, ठीक है। तो वैष्णव का जो है सत्संग मिलना बहुत बड़ी बात है, और एक अगर हमने एक वैष्णव को प्रसन्न कर लिया तो कृपा तो मिल ही गई। इसलिए हमको पहले तो देखिए कृष्ण को मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन वैष्णव को मिलना आसान है। वैष्णव को प्रसन्न कर लिया तो कृष्ण को प्रसन्न कर लिया है, तो कृष्ण अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं अगर किसी ने वैष्णव को प्रसन्न कर दिया तो, ठीक है। तो इसलिए जो है हमको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमको जीवन में वैष्णव दर्शन मिले, तो उनकी सेवा कर उनको प्रसन्न करने की कोशिश करनी चाहिए। ब्राह्मण समाज वैष्णव परम कल्याण में भगवान विष्णु के संभाग है, की प्रेमाना संसार यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि कृष्ण भक्त
भगवान गोविंद के अत्यंत प्रेम बस उन्हें सदा अपने हृदय में धारण करते हैं। भगवान तो पहले से सबके हृदय विद्वान है, किंतु वैष्णव उनका कामण प्रेम विभोर होने पर सदैव उनका दर्शन करते हैं। सबके हृदय में भगवान है, लेकिन जो वैष्णव उस भगवान को देखता भी है, हृदय में भगवान को देखता है। फलता ब्राह्मण ना वैष्णव विष्णु को भी धारण करने वाले हैं, तो वैष्णव के हृदय में विष्णु रहते हैं। भगवान ने ना कि भगवान जिसके गोविंद कहे ना वैष्णव मेरा प्राण तुम्हारे हृदय वैष्णव सदा ब्राह्म वैष्णव के हृदय में भगवान बात करते हैं। भगवान के भगवान कहते हैं कि मेरा हृदय तो वैष्णव है। ठीक है, इस तरीके से जो है भगवान के भक्त वैष्णवगण भगवान को अपने हृदय में लेके चलते हैं। जो जहां भी जाते हैं भगवान विष्णु शिव जी तथा भगवान के भक्त भी उनके साथ हो जाते हैं। तो अगर वैष्णव जा रहे हैं तो सभी वैष्णव चारों कुमार ब्राह्मण थे और महाराज गुरु के साथ रह जाकर प्रभावित था कि भगवान विष्णु चुनाव उनके भक्त भी वहां उपस्थित थे। ऐसी स्थिति में निकला कि जब किसी व्यक्ति पर ब्राह्मण तथा वैष्णव प्रसन्न हो जाते हैं तो भगवान विष्णु भी उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, भगवान विष्णु प्रसन्न करने का सबसे तरीका है उनके भक्त को प्रसन्न करना, क्योंकि अगली भक्त पर आप जाके पूछ सकते भैया आपको मैं कैसे प्रसन्न करो, भक्त बोलेगा ये सेवा करो तो प्रसन्न हो जाएंगे। अब कृष्ण को पास तो जाना मुश्किल है ना, अभी इसकी दूसरी चीज या फिर कृष्ण ने गीता बोलिए उसको पढ़ो उसको समझो, लेकिन वो भी कौन सा जाएगा कि भक्ति बन जाएगा। भगवान के भक्त को प्रसन्न करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। इसकी पुष्टि श्री कृष्ण ठाकुर द्वारा 8 श्लोकों में की गई गुरु स्थिति से होती है। एवरी डे हम लोग गाते हैं ना संसार दावा नल लीलो का, उसमें आता है ये सारा भगवत सारा। यदि गुरु को ब्राह्मण तथा वैष्णव दोनों ही होता है प्रसन्न कर लिया जाए तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं। और यदि भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो संसार में मृत्यु को और क्या प्राप्त करने को रह जाता है। ठीक है, नैव लक्ष्यते लोको, तब ये निश्चय नहीं खुल जाएगा तो आप लोग फिर से जाएंगे। ठीक है, दोबारा से जाएंगे कर लीजिए, अभी ये निश्चय नहीं खुल जाएगा।